ओके एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन। कौन सा लेक्चर था? तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन में? फ्लोरिनेशन एंड, तो कल का चैप्टर हेडिंग बना के छोड़ दिए थे कि फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन वाया डिफरेंट पाथ। तो उसमें पहला जो पाथ है फ्लोरिनेशन वाया डाइजोनियम सॉल्ट, इसी को एनसीईआरटी में देखा हूँ, सेंड मेयर रिएक्शन बोला हुआ, दिखा रहे थे ना एक दिन, राइट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, नाम के लिए मैं आपको शॉर्ट नोट से शेयर करूँगा, जिसमें सारा रिएक्शन जो भी पढ़ाया है सबका नेम वहाँ पे लिखा रहेगा, वो लिख रख लीजिएगा, ठीक है? एनिलीन, तो सर एनिलीन बनाने का तरीका, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल, एराइल, हाइड्रोजन और एक और ऐड कर लीजिएगा, नाइट्रो ग्रुप को भी कभी भी आप जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक पढ़ाया होगा, नाइट्रो ग्रुप को कभी लिविंग ग्रुप बनते हुए नहीं दिखेगा। नाइट्रो ग्रुप ऑल्सो डज नॉट बिहेव लाइक ए, तो इसको कभी अगर आउट करना है एज ए लिविंग तो किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके आउट करना पड़ता है, जो कि बाद में देखेंगे। तो सर एनिलीन बनाने का एक मेथड बताइए। तो बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन तो बना लीजिएगा, मेरे पास थ्री नाइट्रेटिंग एजेंट है, कौन कौन सा, मोस्ट कॉमन कौन सा है, HNO3 कॉन्केसेस ऑफ 4 और क्या है RONO2 H+ और क्या है RC OONO2 H+, दोनों सबका मैकेनिज्म देख लिया है, बट मोस्ट कॉमन है HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितना तरीके से रिएक्शन को हेल्प किया है? तीन तरीके से। पहला तरीका, वो डिहाइड्रेट करता है HNO3 को और NO2+ प्रोड्यूस करता है वाटर वहाँ से आउट करके, बाद में वो जनरेटेड वाटर को प्रोटोनेट, जनरेटेड वाटर को प्रोटोनेट करता है सो दैट NO2+ और वाटर रिकम्बाइन होकर NO2+ का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं करे। ऐसे कहानी बना कर रख लीजिए, दैट्स वाई कि NO2+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट, जब NO2+ अटैक करता है, जब बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स वेलन इंटरमीडिएट, तो वहाँ पर उसका कंजुगेट बेस HSO4- बेस का काम करता है, डी प्रोटोनेशन में हेल्प करता है, करेक्ट है ना? तो बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन पे आ जाएंगे आप लोग, और नाइट्रो बेंजीन में अगर लाह डाल दें, क्या डाल दें, इवन कि NiS2, तो उसका रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट करता है। NO2 के NH2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको 5 रिएजेंट बोल दूंगा आगे चलकर इसी चैप्टर में, मतलब NO2 से NH2 कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो सर NH2 से NO2 उसका एक रीजन बताऊंगा, वो भी हो सकता है, बट NO2 को अगर आउट करना है तो डायरेक्ट आप लिविंग ग्रुप नहीं बना सकते हैं। किसी प्रोडक्ट से NO2 को आउट करना है तो उसको NH2 में पक्का कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास वी हैव सो मेनी रिएजेंट जस्ट बाय रिडक्शन NO2 से NH2, मतलब इस पर एक क्वेश्चन बनाए थे, याद है आप लोग को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसमें N-Factor 6 आया था, एनिलीन से नाइट्रोबेंजेन, तो 1 मोल के लिए कितना नंबर ऑफ फराडे यूज होता है, राइट? याद आया? तो एनिलीन से नाइट्रोबेंजेन, तो 1 मोल के लिए सो N-Factor कितना गया था, 6, तो 1 × 6 नंबर ऑफ फराडे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना था, 6, तो नंबर ऑफ फराडे भी कितना, 6, तो वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें NaNO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl 0°C, राइट? इसका नाम बताइए तो, सोडियम नाइट्राइट या NaNO2 डाइल्यूट H2SO4 0°C। या क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके से रहेगा, HNO2 HCl, मतलब इन सब का मीनिंग सेम है, ठीक है? इस लाइन को हटाएं,
या HNO2H+। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट कि यहाँ पे डाइल्यूट HCl लें या डाइल्यूट H2SO4, काम तो H डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, H+ देना है। तो HNO2H+ इसका मतलब अलग मतलब या बिल्कुल डिटो सेम मतलब है। और इन सब से बनता है N2+, क्या बनेगा N2+, करेक्ट। और N2+ का नाम क्या है, बोलिए डाइजोनियम कटायन। ये तो हम लोग कहीं पे यूज किया है ना, कहाँ पे, कार्बिन और नाइट्रीन के लिए, या सुपर लिविंग ग्रुप भी है, राइट। अब यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे ए लेते तब इसका नाम पढ़ते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम पढ़ते भाई, अगर H2SO4 लेते तब क्या पढ़ते, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट यही पढ़ते नाम। तो जैसा भी लेंगे उसके लिए यहाँ पे जो रहेगा, जो भी मेरा एसिड रेडिकल रहेगा उसका नाम पढ़ देंगे, बट मुझे इससे मतलब है मुझे N2+ से मतलब था, N2+ से मतलब है, करेक्ट है यहाँ तक। तो सर ये बना कैसे, बाकी जगह आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर ये आएगा एनिलीन के साथ इन सब का, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ये लिखूंगा, ठीक है। आज मैकेनिज्म यहाँ देखिए स्टूडेंट, NaNO2 में जैसे ही हम लोग HCl मिक्स, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, NaNO2 में HCl मिक्स करेंगे HNO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर इतना सिंपल सा बात, पहला तो बात एक समझ में आ गया ना कि NaNO2 HCl का मतलब HNO2, तो सर फिर इसका इतना मतलब ये लेने का क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट इसको लेते नहीं ले सकते थे। ये हो गया नाइट्रस एसिड आर हाईली अनस्टेबल, उसको बनाकर प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, वजह वो एटमॉस्फेयर के एयर के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, इसका मतलब है कि जनरली अगर नाइट्रस एसिड का रिक्वायरमेंट होता है तो एट द सेम टाइम ऑन द स्पॉट उसको बनाते हैं, दैट्स वाई सोडियम नाइट्राइड के साथ क्या मिक्स करते हैं उसी टाइम पे HCl। समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज इतना ड्रामा करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करते, राइट। तो पहला चीज़ का ये, तो इसका मतलब समझ में आया कि इसका मतलब ये है, ओके। और HNO2 का स्ट्रक्चर है ए, ठीक है। अब इसमें अगेन क्या मिक्स करें, ए डालेंगे H+, और यहां से आउट क्या करेंगे H2, और ए क्या बनेगा एवरीवन NO+। अब सही से बोलिए, अभी तक बेंजीन पे कोई रिएक्शन हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, एनिलीन के साथ कोई रिएक्शन हुआ है, तो भाई ओरिजिनल ए है, मुझे इसका रिक्वायरमेंट था, और इसका नाम है नाइट्रोनियम या नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम तो NO2+ को बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, नॉट नाइट्रोनियम, ठीक है। इसका मतलब आज के बाद शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, दिस इक्वल टू दिस, तो इन सब में कुछ भी देंगे मतलब मुझे इससे मतलब है, राइट। इसको हटाएं यहाँ तक, वहाँ पे उस ऑक्सीजन के लिए कोई एंट्री ज़्यादा नहीं है, वहाँ
यहाँ पे जाने के बाद भी एक्चुअल में यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ से हम लोग करते ये जाता, उसके बाद यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करते लास्ट में फिर से एनो प्लस ही मिल जाता। इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं राइट। तो यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करते तो फिर क्या करते, रेजोनेंस करने के बाद OH बना देते, मतलब हालांकि इस चीज़ से मैं बचना चाह रहा था। यहाँ से S प्लस रिलीज कर दें भाई, फिर से तो वही हो गया, नहीं समझे। यहाँ से क्या बन गया OH, और यहाँ पर क्या बन गया N डबल बॉन्ड हो, यहाँ से रिलीज क्या हो गया, बात तो ही हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग को ये क्या बनाना है, NO प्लस। और लास्टली हम लोग के हाथ में है, मतलब इसमें ये एक्सपेरिमेंटल है कि यहाँ पे बनता है N2 प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे जो कटायन है वो है NO प्लस, नाइट्रोसोनियम कटायन। तो बस मुझे वो बनाना था, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। तो आज के बाद आपको भी जैसे मैं रट लिया हूँ वैसे आपको भी रट लेना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए इसका मतलब है कि एवरीवन एनिलीन के साथ, फिर मेरे साथ बोलिए, NaNO2 लें HCl डाइल्यूट 0°C, या NaNO2 लें डाइल्यूट H2SO4 लें 0°C, या HNO2 लें H+ 0°C, या NO+ लें, सबका मतलब तो NO+ ही से था राइट। देख तो सही है, और ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे NH2 NH है या NH2 है, मतलब दो हाइड्रोजन पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैकेनिज्म में पता चलेगा, करेक्ट। क्योंकि आगे चलकर हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन में इसको यूज करेंगे, मतलब अल्कोहल में रिएक्शन आएगा और कंप्लीट 2 दिन तक यही चलते रहेगा, कंप्लीट चलते रहेगा, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में। यहाँ से क्या H+ रिलीज कर सकते हैं, यहाँ पे पोएट्री जाकर रिलीज करने के लिए, तो यहाँ पे NH2 का कितना हाइड्रोजन काम में आ गया, एक काम में आ गया है, करेक्ट। और लास्टली हम लोग को जाना कहाँ पे है, N2+ बनाना है राइट। एक काम कर सकते हैं, टॉटोमेराइजेशन, ओ सॉरी, ये मैंने क्या किया, टॉटोमेराइजेशन, करेक्ट। N डबल बॉन्ड N OH, बोलिए यहां से यहां तक आने के लिए हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, दो अगर एक ही रहता, अगर 2° अमाइन रहता यहाँ तो ठीक है, इसका कोई मतलब है भी फिनाइल का, मतलब फिनाइल की जगह पे R भी तो हो सकता था, इसका मतलब R रहता तो क्या रहता, एमाइन रहता, एल्फैटिक एमाइंस, तो एल्फैटिक एमाइंस कितना टाइप का, 3 टाइप का, 1°, 2°, 3°, क्या 2° और 3° यहाँ तक पहुँच पाता, नहीं पहुँच पाता, करेक्ट। अब यहाँ से अगेन मैंने प्रोटोनेट किया, इसे आउट कर देगा और बन क्या गया, RN NNN+ अ प्लस वाटर, और यही तो बनाना था, करेक्ट है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा, बट दोबारा एनिलीन से बाय टेकिंग नाइट्रोसोनियम कटायन, और नाइट्रोसोनियम कटायन कौन देता है उसके लिए रिएजेंट पढ़ा चुका हूँ, दोबारा मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। और
एन टू प्लस में क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस, राइट। इसका मतलब ए वन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एन टू प्लस। नाम क्या रहेगा, बेंजीन डाइजोनियम कैटायन। SN1 का पाथ क्या होता है एवरीवन, SN1 का क्या पाथ होता है सर? पहले लिविंग ग्रुप जानता है मोटा मोटी, इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, छोड़िए हाइब्रिडाइजेशन तो बाद में हम लोग एनालाइज कर लिए ना, जनरली हाइब्रिडाइजेशन के टाइम में तो होता है कि sp3 से sp2, sp2 से sp3, बट मोटा मोटी होता क्या है, पहले लिविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल आता है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पूरे एरोमेटिक सिस्टम में क्या बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN1 या SN2 देता है? मतलब SN1 SN2 तो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या बेंजीन पर कोई लिविंग ग्रुप लाइक क्लोरीन रहेगा भी तो क्या SN2 हो पाएगा? क्या बैक साइड अटैक करेगा, पाई क्लाउड के बीच से आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? और प्लस SN1 भी नहीं देता है, वजह SN1 के लिए कार्बोकैटायन बनेगा, पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, और लिविंग ग्रुप जाएगा तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो कार्बोकैटायन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं है। तो मैं कहीं पर लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब पूरे एरोमेटिक सिस्टम में एरोमेटिक सिस्टम मतलब बेंजीन से रिलेटेड अगर कोई लिविंग ग्रुप है भी तो ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देता है। बट दिस इज द ओनली कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम कैटायन, इसको एक्सेप्शन मान के भी रटी है, मैं लिखवा दूंगा बेंजीन, लिखवा देंगे बेंजीन डाइजोनियम कैटायन इज द ओनली कंपाउंड इन होल एरोमेटिक सिस्टम विच गिव्स SN1 पाथ। कौन सा पाथ? और उसके पीछे का वजह, उसके पीछे का वजह है इसका सुपर लिविंग ग्रुप होना। कौन सा वजह है? ये केयर नहीं करेगा कि प्रोड्यूस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज रहेगा या नहीं रहेगा। इसका मेन कैरेक्टर क्या है कि इसमें जो N2+ है वो क्या है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। तो इसमें दो स्टार लिखिए, बेंजीन डाइजोनियम कैटायन इज द ओनली कंपाउंड इन होल एरोमेटिक सिस्टम, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा स्टेटमेंट को, बेंजीन डाइजोनियम कैटायन इज द ओनली कंपाउंड इन एरोमेटिक इन होल एरोमेटिक सिस्टम विच गिव्स SN1। बेंजीन डाइजोनियम कैटायन इज द ओनली कंपाउंड इन होल एरोमेटिक सिस्टम विच गिव्स SN1। फिर से एक बार रिमाइंडर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है एरोमेटिक सिस्टम में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, पाथ SN1 SN2 नहीं होता है, राइट। बट पूरे एरोमेटिक सिस्टम में सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जो SN1 देता है। अब हट मेन मेन रीजन बिहाइंड इट, मेन रीजन बिहाइंड इट इज सुपर लिविंग ग्रुप ऑफ N2 प्लस, मेन रीजन बिहाइंड इट इज सुपर लिविंग ग्रुप ऑफ N2 प्लस। तो एनिलीन में सोडियम नाइट्राइड डालें और डाइल्यूट HCl, सोडियम नाइट्राइड डालें डाइल्यूट H2SO4, सोडियम नाइट्राइड डालें HNO2 डालें H प्लस या NO प्लस डालें, सबका मतलब डिफरेंट है या एक ही मतलब है? अब यहाँ देखिए, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ एवरीवन, क्या बोले, यहाँ पे इन्वर्सन इंटेंशन का क्वेश्चन स्टैंड करने का बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल सेंस नहीं रहेगा। देर इज नो काइरल कार्बन प्रोडक्ट में, sp2 है ना, तो काइरल तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे उसका कोई मतलब है, मीनिंगलेस बात रहेगा यहाँ पे। मतलब इन्वर्सन इंटेंशन मेरे लिए बहुत काम का कब रहता है, व्हेन दैट कार्बन बिकम्स काइरल इन द प्रोडक्ट, राइट। मान लेते हैं कि ए बन गया, जब NaNO2 और HCl0 डिस लीजिएगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंड हीट, न्यूक्लियोफाइल एंड हीट का मतलब है कि ड्यू टू सुपर लिविंग कैरेक्टर
ये 0 से 5 डिग्री सी तक ही स्टेबल रहता है, इसलिए 20 डिग्री सी भी रूम टेम्परेचर भी इसके लिए हीटिंग कंडीशन है, राइट। हीटिंग का मतलब नहीं ये नहीं कि इसको बिल्कुल आग पर डाल दिए, जो 0 से 5 डिग्री सी तक जो स्टेबल है इसके लिए 30 डिग्री भी क्या रहेगा, हीटिंग कंडीशन रहेगा। और ऐसे भी इसका करेक्टर कैसा है, सुपर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये जनरलाइज कर रहा हूँ, कौन सा पाथ SN1, पहले क्या होगा देखिए, उसके पीछे का वजह क्या है स्टूडेंट, वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें नाइट, यहाँ ध्यान सुन लीजिएगा, वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन गैस आउट हो रहा हो तो ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, राइट। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन गैस आउट होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है हाईली स्टेबल कंपाउंड है, दिस इज द रीजन कि ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, तो ये था मेरा क्या सबस्ट्रेट, ये क्या बन गया इंटरमीडिएट। क्या इंटरमीडिएट में जो कार्बोकैटायन बना है वो कार्बोकैटायन रिजन से स्टेबलाइज है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द विलेन इंटरमीडिएट। ये विलेन इंटरमीडिएट है क्या, विलेन इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बना था वो रिजन से स्टेबलाइज था, राइट। यहाँ पे क्या रिजनेंस कर पाएगा इसके साथ, अगर करेगा तो दिस कार्बन बिकम्स व्हाट SP। तो इवन इफ इट इज नॉट रिजनेंस स्टेबलाइज फिर भी ये हो रहा है, उसके पीछे का वजह क्या है, इसका सुपर लिविंग ग्रुप होना, करेक्ट। उसके बाद तो ऐसा तरीका तो SN1 का ही था कि जिसमें लिविंग ग्रुप पहले जाता है बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होता है ना इसके लिए वही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल F- हो सकता है, I- हो सकता है, इवन CN- हो सकता है, एटसेट्रा, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट हो जाएगा, N2 प्लस Cl-। अब एग्जांपल लेते हैं, KI लेकर हीट कर रहे हैं, दिमाग दौड़ाइए तो क्या बनेगा, आइडो बेंजीन। तो आइडोनेशन ऑफ बेंजीन क्या था, मेरे लिए प्रॉब्लम था ड्यू टू स्लो, बट यहाँ तो फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। तो इस पाथ को हम लोग क्या लिए, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोरिनेशन एंड आइडोनेशन वाया डिफरेंट डिफरेंट पाथ, उसे पहला पाथ क्या है वाया डाइजोनियम कटायन। तो अगर डाइजोनियम कटायन बना लिए तो डाइजोनियम कटायन बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनिलीन से स्टार्ट करेंगे। एनिलीन में क्या डालेंगे, NO+ के लिए क्या लेते हैं वो बता चुके, तो ये बन जाएगा दिस वन। इसमें क्या लेकर हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन अपने तक है, I- क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन होने का तरीका अलग रहेगा या बिल्कुल सेम रहेगा, सेम रहेगा। दिखा दीजिए, तो क्या डायरेक्टली ये लिख सकते हैं आइडोबेंजिन। अब देखिए स्टूडेंट कितना बढ़िया बात हो जाएगा, इसमें KCl लेकर हीट कर देंगे, देन व्हाट भाई, K+Cl-, तो Cl- यहां पे मेरा क्या रहेगा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। जनरलाइज क्या था, CN- है, जनरलाइज था NU-, NU- क्या हो सकता है F-I-CN-N न्यूक्लियोफाइल, किसी को इसमें डालकर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से करेक्टर शो करेगा, एंड वाया विच पाथ आएगा एग्जाम में SN1। तो इसका दोबारा मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या जस्ट लाइक दिस, हाँ ना कुछ बोलिए भाई। हो गया ना, अब यहां देखिए इसमें अगर CuCN डालकर हीट करें देन, तो सर जो काम KCN करेगा वही काम तो CuCN करेगा, तो क्या हो जाएगा और कौन सा पाथ SN। यहां देखिए आप लोग बोलते रहिएगा NaNO2
HCl 0 डिग्री से क्या बनेगा? अब बार बार इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कहानी खत्म यहाँ पे हो गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम आइसोसाइनेट भी तो होता है, पोटेशियम साइनेट तो पोटेशियम आइसोसाइनेट भी होता है, राइट? क्या बनेगा? लेकर हीट कर रहे हैं, सही है? इसमें H प्लस वाटर, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार रिपीट किया हूँ, नहीं CN और NC, राइट? अब क्या बनेगा? NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, नहीं इस टाइप का प्रॉब्लम बोलते हैं रोड मैप, मतलब रोड बनाते जा रहेंगे कि इसमें ये डालेंगे तो क्या होगा, ये डालेंगे तो क्या होगा, करेक्ट है ना? यहाँ देखिए स्टूडेंट, सिर्फ एग्जाम्पल सोच के मत काम कीजिएगा, कुछ वजह रहता है हर एग्जाम्पल के पीछे। अभी यहाँ बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या बनेगा भाई? पेन बढ़ाइए, हीट करेंगे तो क्या ए बन जाएगा, करेक्ट ना? कौन सा पाथ बोलते दिए कि आज के बाद बेंजीन डाइजोनियम कटायन। देखिए बेंजीन डाइजोनियम कटायन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरीके से रिएक्शन करता है। एक तरीका है जो बहुत फेमस रिएक्शन है, शायद आप लोग नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, कपलिंग रिएक्शन, नाम सुने हैं? ये बहुत फेमस है और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कपलिंग रिएक्शन मोटा मोटी दो ही देता है, फिनॉल और एनिलीन। एक तो ये हो गया, और उन दोनों को छोड़कर बाकी 95% केस में SN1 पाथ को फॉलो करता है। तो कपलिंग रिएक्शन में आपको अल्कोहल में पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ दो देता है मोटा मोटी मान के चलिए, ठीक है? तो बेंजीन डाइजोनियम कटायन बहुत फेमस चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक आ गए N2, और अब यहाँ पे किसका अटैक होगा? OH2 प्लस, और यहाँ से क्या रिलीज कर दीजिए? क्या बन गया बोलिए? फिनॉल। यहाँ देखिए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया कन्वर्सन सीख लिए, एनिलीन से फिनॉल बनाने का, राइट? हाँ या ना? कितना स्टेप? दो स्टेप। पहला स्टेप, अभी नहीं कि सर मैकेनिज्म में तो इतना सारा स्टेप था, वो सब काम करना शुरू कीजिएगा तो बहुत स्टेप रहेगा। आपको उन सब से मतलब क्या है? 0 to 5 डिग्री क्या बन जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस, इसमें क्या लेकर हीट कर दीजिए? H2 लेकर हीट कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, फिनॉल से एनिलीन बनाना है तब क्या करेंगे? वापस तो आ सकते हैं, सिर्फ जाने का रास्ता पता रहेगा तब तो काम चलेगा नहीं। NCERT में तो इतना सारा एक बहुत फेमस रिएक्शन है NCERT में, बताइए कौन सा? मैं आप लोगों को डाउन नहीं दे रहा हूँ भाई, जिंक डस्ट लेकर हीट करना, याद है आपको? NCERT का बहुत फेमस रिएक्शन है, ये लैब मेथड है बेंजीन का प्रिपरेशन का, फिनॉल में जिंक डस्ट लेकर। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही है, राइट? तो इसमें जिंक डस्ट लेकर हीट करते हैं, आप लोग पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर स्कूल एग्जाम, जो कि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ देखिएगा लुकास रेजिन को याद रखीजिए। तो जिंक डस्ट लेंगे तो एक्चुअली ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्सेशन करेगा, तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, यह वहाँ से आउट हो जाएगा। लास्टली वहाँ से नहीं भी समझ पाए तो ये समझिए कि OH में, यहाँ पे OH में क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, कोई भी मेटल डाल के हीट करेंगे तो नेसेंट हाइड्रोजन, तो वहाँ यहाँ का ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा,
एक्चुअली बनेगा क्या, जिंक डस्ट लेकर हीट करेंगे तो जिंक भी तो कुछ बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लस बेंजीन। लास्टली इसको रट जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, मुझे मेरा टारगेट क्या है, फिनॉल से वापस एनिलीन पे आने का, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं एवरीवन, मोस्ट कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट बोलिए HNO3 H2SO4 करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक आने का बहुत सारे रिएजेंट है, उसमें वन ऑफ द रिएजेंट लाह भी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रिएजेंट का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बस रिडक्शन लिख दीजिए। कभी देखिए एग्ज़ाम में सब कुछ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बचने का तरीका, थोड़ा तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं याद हो रहा है, रिडक्शन नहीं पता है, एक लिख देंगे नीचे रिडक्शन, कम से कॉपी चेक करना पता हो जाएगा, अच्छा रिडक्शन करना चाह रहा है, वो दिमाग में घूम जाएगा, अच्छा कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, राइट। तो हालांकि लिखना चाहिए बट नहीं याद है, आपके पास उपाय नहीं है, आइए पता है कि रिडक्शन से बनता है, जैसे मेरे आप ही कन्फ्यूजन है लाह या NaBH4, तो बेस्ट है कि ऑन द स्पॉट बाद में काम कर लेंगे, बट ये तो पता है कि यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। एक्चुअली इसमें तीन चार रहता है, NaIH2 भी लेते तो काम चल जाता है, लाह भी लेते तो काम चल जाता है, NaBH4 भी लेते तो काम चल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें NaSH भी लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक सूटेबल रिएजेंट, बट अभी आप रिडक्शन से लिखिए। तो यहाँ से यहाँ भी आ गए, बोलिए मैंने क्या किया, कितना स्टेप में, पहला स्टेप बेंजीन बना लिए, दूसरा स्टेप नाइट्रो बेंजीन बना लिए, और तीसरा रिडक्शन कर दिए, बिकॉज बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए डायरेक्ट NH2 आप नहीं ला सकते हैं, आपको नाइट्रो बेंजीन बनाना ही पड़ेगा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बेंजीन से एनिलीन अगर बनाना है क्या करना पड़ेगा, पहले नाइट्रो ग्रुप लाते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। CL2 यहाँ देखिए, इनका क्वेश्चन समझे कि सर CL2 FeCl3 ले लेंगे, ओके NH3 लेकर हीट करेंगे तब नहीं होगा, हाँ ये रिएक्शन मैं अभी नहीं पढ़ाया था इसलिए इससे मैं बचना चाह रहा था। एक रिएक्शन है जिसका नाम है बेंजाइन पाथ, बोलिए मेरे साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, उसका दो पाथ होता है, एक रहता है एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा रहता है एलिमिनेशन एडिशन, वो इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं नहीं पढ़ाया था उसमें ए लेकर हीट करते हैं NaNH2 एंड हीट, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस पर अटैक करेगा, बट वो जो अटैक करेगा दैट इज़ नॉट SN2 कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसका यहाँ से बनता है, बट अभी मैं नहीं लिया था, और जो रिएक्शन मैं अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ उसका यहाँ पे लेने से बच रहे हैं, जब पढ़ा देंगे तो ये भी एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाएगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अलग। अभी मेरा जितना भी रिएक्शन होगा क्या चल रहा है बेंजीन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चल रहा है, ठीक है, ये पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, ये भी लेकिन एक हो सकता है, बट अमोनिया नहीं, सोडामाइड, ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, मेन हम लोग का टारगेट क्या था इसको पढ़ने का, फ्लोरिनेशन के लिए, लेकिन फ्लोरिनेशन के चक्कर में हमने बहुत कुछ सीख लिए, राइट, करना क्या है, N2+ भाया डायजोनियम कैटायन है, ये डायजोनियम कैटायन कहाँ से बना लेंगे, एनिलीन से, राइट, इसमें डालते हैं NaBF4, बोलिए मेरे साथ, NaFuel, और ये सॉल्ट है, तो दिस इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, बट जैसे ही इसमें NaBF4 डालेंगे तो बनता है N2+, ध्यान से सुनना है, BF4-, और ये प्रेसिपिटेट होता है, क्या प्रेसिपिटेट होगा, इसमें फिल्टरेट में कौन चला जाएगा, ये जब प्रेसिपिटेट हो गया तो क्या इसको आउट कर सकते हैं, ये फिल्टरेट में ये चला जाएगा, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, तो ये सेपरेट हो गया और प्रेसिपिटेट ये रहा, बट अगर यहाँ पे सॉल्ट है और इसमें अगर ये एक्वो सोल्यूशन में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, राइट, तो इसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो लिखा रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल
देखिए ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हीटिंग अप टू ड्राइनेस, इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को सुखाना है, जलाना नहीं है। मतलब अगर सिर्फ सुखाना है, इसका मतलब क्या है कि उसको धूप में डालिएगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग या माइल्ड हीटिंग? माइल्ड हीटिंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मॉइस्चर था, वाटर मॉइस्चर था, उसको सबसे पहले आउट करना है। सर अब हो गया काम, करेक्ट? तो हीटिंग अप टू ड्राइनेस, लेकिन एग्जाम में इतना कुछ आपको बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बन जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हीट की जाएगा, प्रोडक्ट बना लेंगे, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। वजह अब यहाँ पे हीट करेंगे, हीट करेंगे, ये बनता है। तो एक तरीका था, वन ऑफ द मेथड फॉर मोनोफ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। तो सर यहाँ पे एक मिनट, मॉइस्चर रहते हुए इसको क्यों नहीं हीट करिए? तो अभी जस्ट दिखाए थे ना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम कटायन में अगर वाटर लेकर हीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो सबसे पहले मुझे बनाना था क्या? फ्लोरोबेंजीन, नॉट फिनॉल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर को आउट करेंगे। तो वाटर मॉइस्चर जो यहाँ पर रह गया, जो प्रेसिपिटेट हुआ, कोई चीज़ अगर प्रेसिपिटेट होता है तो भाई वो बॉटम में बैठा हो तो उसमें मॉइस्चर तो लगा रहेगा ना, अगर उसको आउट भी कर दिए तो सबसे पहले उसको क्या करना है? ड्राई करना है। और तब जब आप कन्फर्म हो गए कि वाटर मॉइस्चर यहाँ से आउट हो गया, तब हीट करेंगे। अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? ओके। अब इसका रिएक्शन होने का तरीका क्या रहा होगा, इसको अगर तोड़ कर देखना चाहेंगे तो आपको नहीं लगता कि सर रिएक्शन होने का तरीका यहां पे इसका ऐसे रहा होगा? ऐसा SN1 को फॉलो किया होगा, सबसे पहले ये हुआ होगा, करेक्ट है ना? और BF4- क्या देगा? BF3+ F- और ए यहाँ से F- पे, इस कटायन पे कौन अटैक करेगा? F-। तो समझ में आ गया? इस तरीके से बनता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था? फ्लोरिनेशन, मोनोफ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन करने के लिए वन ऑफ द मेथड हम लोग अलग एक रास्ता लिए, वाया डाइजोनियम कटायन। डाइजोनियम कटायन कहाँ से बनाते हैं एक बार रास्ता देख लेते हैं, एनिलिन से। और उसमें क्या डालते हैं? NO+। मेन क्या है? NO+। उसके लिए क्या ले सकते हैं? NaNO2 ले लीजिए, HCl, या NO2 डाइल्यूट H2SO4, या HNO2 H+, और या NO+। सबका मीनिंग अलग अलग है, सेम। तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको इतने तरीके से घुमा सकते हैं, रेडी रहिएगा, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि सर यहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा जनरलाइज हम लोग पढ़ लिए कि बेंजीन डाइजोनियम पूरे एरोमेटिक सिस्टम में, दिस इज द ओनली कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज द ओनली कंपाउंड विच कीप्स SN1, और कोई SN1 नहीं देगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो देगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? F- I- CN- NC- जो भी रहेगा, या इवन वाटर, राइट? तो भाई आप विच पाथ? SN1। तो सिर्फ यही रिएक्शन देखे या साथ साथ और भी रिएक्शन देख लिए? और भी रिएक्शन देख लिए। दिस इज द फायदा ऑफ व्हाट मैकेनिज्म। सही से अगर ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो बहुत कमाल का मार्क्स आ जाएगा, मतलब अगर उसको समझ के पढ़िएगा तो। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत जस्ट लाइक फिजिक्स है। अब यहाँ देखिए, आयोडिनेशन, फ्लोरिनेशन के लिए क्यों रास्ता? क्योंकि सर वो हाईली रिएक्टिव था। आयोडिनेशन के लिए क्यों अलग रास्ता? सर वेरी स्लो था, तो उसको फॉर मेक इट फास्ट, अगर डाइजोनियम कटायन के थ्रू जाएंगे तो रिएक्शन ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट अमाउंट में फास्ट रहेगा ड्यू टू सुपर लिविंग कैरेक्टर। अब इसमें क्या डाल देंगे एवरीवन? सर अभी तो लिए थे KI, इसका मतलब है कि आपको आयोडो बेंजीन बनाना है, तो सबसे पहले
एनिलीन से स्टार्ट करेंगे, कन्वर्सन अगर आप पे छोड़ दिया गया कि क्या मुझे बस आपको टारगेट दिया गया भाई आइडोबेंज बनाना है तो लैब में जो भी है यूज़ कर लो, एनिलीन तो रहेगा लैब में, एनिलीन में क्या डाल देंगे, एनिलीन से डाइजोनियम का टाइन बना लेंगे और उसमें क्या लेकर हीट कर देंगे, राइट। क्या मेरा इतना लिखना काफ़ी हो जाएगा? अब यहाँ देखिए मान लेते हैं कि आपके पास जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उतना इफ़िशियंट नहीं है, थोड़ा स्लो हैं और काम एकदम डेड लाइन पे पूरा करना है, क्या कीजिएगा? और आपके पास उसी टाइप के आदमी अवेलेबल हैं, वेरी गुड, आदमी बढ़ा देंगे उस मतलब उसी टाइप का है, आपको कोई नया नहीं आएगा, एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं है कि हाँ 10 आवर काम 1 आवर में कर देगा, मतलब उसी टाइप का अवेलेबल है और काम का डेडलाइन मिल गया, देन व्हाट सर? उस आदमी बढ़ा देंगे राइट, तब मेरा डेडलाइन पे हो जाएगा। सेम सिचुएशन फॉर व्हाट? अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अमंग ऑल एक्स प्लस एफ प्लस सी एल प्लस बी आर प्लस आई प्लस, सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसका था? आई प्लस का, और मोस्ट किसका था? एफ प्लस का। तो आई प्लस का इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम है और आपको I प्लस के साथ ही काम करना है, तब क्या कीजिएगा? मतलब और कोई उपाय है ही नहीं, यस I प्लस ज़्यादा डाल देंगे। बिकॉज सर जो हम लोग व्हीलर इंटरमीडिएट में देख रहे थे उसमें सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज द वजह कि समटाइम्स ऐसा भी देखिएगा I2FeCl3, ये तो मोस्ट कॉमन है राइट, और उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2 डाल देते हैं। व्हाट द रोल ऑफ H2O2? H2O2 इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या देगा इसका मत बोलिए मेरे साथ, I प्लस, बट यहाँ पे आई हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला देंगे तो ये भी क्या करेगा? आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब अब हम लोग क्या किए, I प्लस प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा में H2O2 डाल दिए, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर स्ट्रॉन्ग डाल देते क्या करते? तो हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग डाल दीजिए कि बेंजीन के साथ ही रिएक्शन कर जाए, मतलब आपको इससे बचना भी है राइट। इसका मतलब है कि इसके लिए सूटेबल है, और लास्टली ये आपका रिएक्शन का पार्ट है ठीक है। इसका मतलब आयोडिनेशन करने का दो तरीका, वाया डाइजोनियम कटायन या I2FeCl3 एंड मिक्स फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2। व्हाट द रोल, ये पूछा जाएगा, व्हाट द रोल ऑफ H2O2? इट प्रोड्यूस आई प्लस, इट इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस। इंक्रीज करने का वजह I प्लस का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम था तो हम लोग अमाउंट क्या कर दिए, ज़्यादा कर, लिख लीजिएगा यहाँ इस रिएक्शन के लिए लिखे तो H2O2 इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस, इट इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज रेट ऑफ आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज रेट ऑफ आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट हैलो अल्केन एंड हैलो बेंजीन का रिएक्शन खत्म, बेंजीन से हैलो बेंजीन बनाना रहेगा, फ्लोरो बेंजीन एग्जाम में रोड मैप में बना लीजिएगा, डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट कीजिएगा तो मोनोफ्लोरो नहीं बनेगा, मल्टीपल फ्लोरेशन हो जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है? भाया डाइजोनियम कटायन, तो एनिलीन से क्या बनाएंगे? डाइजोनियम कटायन, और डाइजोनियम कटायन में क्या डालेंगे? NaBF4। अभी आपको एक ही बताया हूँ, ऐसे फ्लोरिनेशन करने के लिए मैं 5 रिएजेंट आपको बता दूंगा जब अल्कोहल में पढ़ाएंगे तो फर्स्ट टर्म से पहले, बट अभी आप NaBF4 ही डालिए, याद रखिए NaBF4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम और BF4- प्रेसिपिटेट हो जाएगा राइट। उसको क्या करना है? थोड़ा सा ड्राई करेंगे, वजह मॉइस्चर रहेगा तो मुझे फ्लोरो बेंजीन की जगह पर फिनॉल मिल जाएगा राइट, और जब वो वहाँ से मॉइस्चर गायब हो जाएगा तब क्या करेंगे? हीट कर देंगे करेक्ट। आयोडिनेशन करने के लिए सेम, पहले हम लोग एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम कटायन बनाएंगे,
मतलब मेन हेडिंग था भाया डायजोनियम कटायन, बट डायजोनियम कटायन कहीं से तो बनाएंगे, एनिलीन से ये बनाएंगे, उसमें क्या डालकर हीट करेंगे? और पूरे एरोमेटिक सिस्टम में एक ही कंपाउंड है जो एसन वन देता है, बाकी कोई नहीं देगा, वो क्या क्या कौन है? बेंजीन डायजोनियम कटायन, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि न्यूक्लियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन देगा, बट उसका नाम अदर देन एसन वन एसन टू होगा। इन होल एरोमेटिक सिस्टम दिस इज द ओनली कंपाउंड विच गिव्स एसन वन। बट एक मिनट भैया, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बट स्टूडेंट, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ, यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि इसको अगर एसन वन मैंने बोल दिया और एसन वन में इन टर्म्स ऑफ, ये देखिए वो तो बाद में देखे थे ना कि हाँ इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहले मेन थीम क्या था एसन वन का कि लिविंग ग्रुप जाएगा, क्या पहले हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस किया था या पहले लिविंग ग्रुप जाएगा कटायन बनेगा आर प्लस और उसके बाद? बट जनरली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये हुआ था कि बाकी पूरा एलिफैटिक सिस्टम में sp3 से क्या हो रहा था sp2 और sp2 से, बट यहाँ पे अगर उस टर्म में अगर देखिएगा तो यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, राइट? क्योंकि आपको मिलेगा sp2 से sp2, हाँ या ना? अब फिर से sp2 से sp2, तब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे डगमगा जाए। बट इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाद में देखे थे, मेन थीम था पहले लिविंग ग्रुप जाता है, राइट? क्या पहले हाइब्रिडाइजेशन देखकर उसका नाम दिए थे या पहले मैकेनिज्म का ड्रॉ कर लेते, वो तो बाद में ऑब्जर्वेशन था, राइट? इसमें क्या क्या हो रहा है, बट पहले क्या था? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या पहले क्या बनता था? कटायन, और बाद में क्या था? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी क्या बन रहा है? पहले कटायन, बाद में क्या रहा है? तो एसन वन का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये एलिफैटिक सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहा है। वजह, क्योंकि वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? sp3 से बिल्कुल एक्टिव रही है, sp3 से sp2, sp2 से, यहाँ पे क्या हो रहा है? sp2 से sp2 से sp2, ठीक है। बोलिए, कैसे कैसे पूछ, बोलिए तो। जो भी आपको नाइट्रेटिन बहुत सारा है, बट मोस्ट कॉमन क्या है? आपके पास ये पता है कि जाने का रास्ता बहुत सारा है, यहाँ से बीक हो जाए, यहाँ से बीक हो जाए, जाने का बहुत सारा रास्ता है, बेस्ट आपके क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट पाथ लिंक रोड, यहाँ से राजगढ़ जाएंगे, प्रयाग पहुँच जाएंगे, और जो गुवाहाटी में नए आया है उसको तो ज़्यादा पता नहीं रहेगा, और गूगल मैप और आज के युग का शॉर्टेस्ट पाथ ही गूगल मैप दिखाता है। बट अगर फर्स्ट टाइम अगर आए हुए हैं जैसा तो हुआ है, फिर ऑटो में जाए पहले धीरे से लेकर जाए, और फिर वहाँ से घुमा मिल गया है, बाद में जब यहाँ का मैं एक्सपर्ट हो गया जियोग्राफी से, अच्छा ये बिल्कुल मेरे पास ही है, मेरा घर ही वहाँ पे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से पैदल चला जाऊँगा, दो मिनट में होता तो मैं डेली घूमने के लिए जाता हूँ, सही होता है। चलिए आपका क्वेश्चन का एक और आंसर है। नामी है ना रिएक्शन,
नेम रिएक्शन पे, ये है ना सेंडमेयर रिएक्शन, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ राइट। अब ऑर्गेनिक कन्वर्सन, यहाँ पर कन्वर्सन भी करवाते हैं, रोडबैक भी करवाते हैं, सब में आइडिया कम से कम 300 प्रॉब्लम बड प्रॉब्लम होगा, वो 300 प्रॉब्लम करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। मतलब उस हर बड प्रॉब्लम में भाई दिमाग घूम जाएगा, आपको आइसोमिज्म पे फिट पकड़ होना पड़ेगा, मतलब वो नीट के लिए नहीं इतना चाहिए, नीट वाले बच्चे घबराइएगा नहीं, बट एडवांस के लिए आइसोमिज्म पे अगर पकड़ रहेगा, रिएक्शन का हर एंगल से पकड़ रहेगा, तब ये सब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिए आप, मैंने बार बार क्या बोला कि एक्चुअल में जो क्रैक करता है आईआईटी लेवल का एग्ज़ाम, तो उस हर लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, नहीं प्रिपेयर करेगा, प्लस एक सही मेंटर होना पड़ेगा, मुझसे भी कहाँ हो पाता अगर मेरा सही टीचर नहीं मिलते तो, पर टीचर ही इतना ज़बरदस्त मिल गए थे कि वो इतना बढ़िया से पढ़ा दिया कि सब कुछ क्लियर हो गया, बाकी प्रैक्टिस तो मुझे करना था ना, जितना मैं आपके पीछे भागते रहता हूँ उतना थोड़े पटना के टीचर भागते थे हम लोग के टाइम पे, पढ़ा दिए अब बता देंगे यहाँ से सॉल्व कर लेना, ये भी नहीं कि सॉल्व किए कि नहीं किए, पूछते ही नहीं जाएंगे। अब आपका करियर है, अब देखो नहीं करना है तो नहीं पहुँच पाओगे आईआईटी, ड्रीम है हिमालय को पकड़ने का चढ़ने का, और काम कर रहे हैं एकदम बिल्कुल छोटा मोटा, तो नहीं हो पाएगा। सुबह से शाम तक कितना आपके पीछे भागेंगे, अब सुबह शाम तक आप आगे कभी देखिएगा, आप इनके पीछे भागते रहेंगे तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा भाई, ये पता है कि हाँ अंकल किए हैं आईआईटी तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना, अब सुबह से शाम तक इनके पास बैठे रहेंगे कि आप एक करो ये करो, तब हो पाएगा? ये तो पर्सनल इंटरेस्ट है भाई, ये पर्सनल इंटरेस्ट है ना कि तुम आईआईटी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, हाँ कर लोगे तो फिर एकदम मेरे सामने एकदम बिल्कुल कंधे में कंधे मिला के बोलना, मैं देखिए मैंने कर लिया, आप बोले थे चैलेंज दिए थे मैं कर लिया, समथिंग लाइक दैट। हाँ मेरा काम है कि आपको अच्छे से पढ़ा देना है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल जनरल बैच में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा इनके लिए एफर्ट लग रहा है, इतना टाइम भी नहीं है जो आपके कॉमन बैच में है। हाँ ये है कि 1% रिगार्ड ये करते हैं कि सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, मैं देखता नहीं हूँ कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो अपना समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो 20,000 का जॉब करने के लिए फाइट करना पड़ेगा, पढ़ लेंगे NIT IIT पहुँच जाएंगे तो लाखों का जॉब करने के लिए एफर्टलेस तरीके से जॉब लग जाएगा। अब डिफरेंस तुम्हारे पास है, आज के डेट में गुवाहाटी में अगर आप रहते हैं और बच्चे को सही से पढ़ाइएगा तो 50,000 रुपया भी पर मंथ कम पड़ जाएगा राइट, इतना कॉस्टली जगह है, फिर वही है आप लौट चले गांव की तरफ, ये होगा ना समथिंग। इसी बात पे लिखिए एक बढ़िया रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन तो हो गया, और मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर हेलोजनेशन करना है तो डिसाइड कर लेंगे कहाँ कहाँ पे ओरिएंटेशन रहेगा, डोनर रहेगा तो कहाँ पे जाएगा ऑर्थो एंड पैरा, और एक्सेप्टर रहेगा तो कहाँ जाएगा मेटा, और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में N2O5 बहुत इंटरेस्टिंग नाइट्रेडिएंट है, क्यों? अगर वहाँ पे कोई डोनर है जिसके पास लोन पेयर है, इतना बात दिमाग में आना पड़ेगा, अगर डोनर है कोई है लोन पेयर तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है और पैरा प्रोडक्ट, बट जनरली क्या होता है पैरा मेजर होता है ऑर्थो, मतलब एकदम मूवी की तरह घूम जाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक दो छूट गया सॉरी, हेलो एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट, शुभांकर कुछ छूट गया है, बोली तो क्या छूटा है, आप लोग बोलते रहे कभी कभी होता है ना फ्लो में छूट जाता है, हालांकि ऐसे भी छूटेगा नहीं, मैं पढ़ाने के बाद पूरा देखते रहता हूँ, एक एक पेज एक भी रिएक्शन एक डॉट भी नहीं छूटेगा, बट फिर भी अभी छूट जाता है एक सीक्वेंस में, एक ए भी था नहीं, HOX H+ राइट, हाइपोहैलस, लिखिए हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड बनाता है क्या,
हेलोजन में ऑक्सीएसिड कौन बनाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सीएसिड, करेक्ट. इसका मतलब है कि एच ओ एक्स में कौन क्या क्या रहेगा, इसका नाम क्या है? ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन तो चार ही होता है ना, कौन कौन सा? सर एच ओ सी एल या एच सी एल ओ लिखिए. और ये तो कितना बार आ गया है, एच सी एल ओ टू, हाँ एच सी एल ओ थ्री, और क्या? इसका नाम क्या था? हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक. इसका तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर चुके हैं. पहला बार कहाँ आया था? जब मैं वीवीटी पढ़ा रहा था, वीवीटी पढ़ा रहा था. इसका एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन में वैलेंसी वन सॉरी थ्री, क्लोरीन का वैलेंसी 1, 3, 5, 7, तो वहाँ पे दिखाया था कि देखिए 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 होता है. वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम में दिखाया था आप लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे, जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है. कहाँ पे? अब वहाँ तो रहेगा ही, बट उससे पहले अगर हम लोग केमिकल बॉन्ड में देखे होंगे वीवीटी में, इसको मैं लिया था, जहाँ पे क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिग्रेशन, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड, फिर थर्ड एक्साइटेड. एनीवे ये मैटर नहीं करता, तो उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा एच ओ सी एल, और क्या रहेगा? एच ओ बी आर, और क्या रहेगा? बट यहाँ पे मोस्टली किसके लिए ज़्यादा कॉमन रहेगा एवरीवन? एच ओ सी एल और एच ओ बी आर के लिए, ठीक है. देखिए बनता ये है, इसका मतलब है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब X प्लस. तो अगर मैं बता दिया कि इसका मतलब X प्लस है, तो बाकी स्टोरी तो सेम. लेकिन वो X प्लस कैसे? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए. यहाँ देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन लोन पेयर डोनेटिंग पावर डिक्रीजेज. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज़्यादा, और फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज़्यादा? फ्लोरीन का. तो लॉजिक हो गया कि ऑक्सीजन ग्रेटर देन क्लोरीन, राइट. तो यहाँ पे एच प्लस को अगर लोन पेयर डोनेट करना हो तो कौन करेगा? ऑक्सीजन. ये मतलब मैं एक लॉजिक लगाया आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, ठीक है. और यहाँ से इसे वाटर बनाकर क्या कर दिया? आउट कर दिया. तो क्या बन गया? H2O प्लस Cl प्लस. और इसके बाद का स्टोरी तो सेम ना. इसके बाद दोबारा मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, हो जाएगा एवरीवन. तो बाकी सब जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वही काम करेगा. मेन तो समझना था कि यहाँ पे इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब Cl प्लस है. बाकी Cl प्लस क्या है? एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल है, नोट डाउन कीजिए. अब यहाँ पे ही अगर क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करना रहेगा तो बहुत कम चांस है कि आपको ये याद रहेगा. एग्री? ज़्यादा क्या याद रहेगा? Cl टू FeCl3. तो हो गया मोस्ट कॉमन, जो जनरली हम लोग को याद रहेगा, ठीक है. तो सर इसको फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर ये दे दिया जाएगा तब क्या कीजिएगा? नहीं नहीं ये नहीं लेंगे. तो ये रोड मैप में तो कन्वर्सन में आपकी मर्जी है, आप ही को रिएजेंट बनाना है, आप ही को रोड बनाना है, आप ही को रिएजेंट लेना है. बट रोड मैप में रिएजेंट हम मैं दूंगा, आपको बताना है कि बनेगा क्या. तो जब मैं रिएजेंट मैं दे रहा हूँ तो आपको पता होना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, करेक्ट. NBS फुल फॉर्म क्या था पता है? NBS कहाँ पे यूज किए थे? NBS एंड हीट एलाइलिक ब्रोमिनेशन के टाइम पे. आपको एलाइलिक ब्रोमिनेशन पढ़ाया हूँ अल्किन में, राइट. वहाँ पे NBS हीट किए थे, नॉट H प्लस, NBS हीट. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? NBS H प्लस.
ये बनता है ब्रोमीन। मैकेनिज्म देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है फुल फॉर्म बोलिए, बहुत बड़ा आएगा, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड लिखे तो, एन ब्रोमो स्टूडेंट। एच प्लस कहां जाएगा, क्या नाइट्रोजन के पास जाएगा? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बैडली ड्रैग बाय सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड हो, इस लोन पेयर के लिए दो स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा हुआ है, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा? इसका मतलब इस एच प्लस के लिए सही जगह कहां पे है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे या ऑक्सीजन के पास? यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? H प्लस आज कैटलिस्ट हिट किया है राइट। अब यहाँ से क्या हम लोग, मेरा मेन पर्पस क्या था कि NBS H प्लस का मतलब है, NBS H प्लस का मतलब है BR प्लस ओके। तो BR प्लस कैसे प्रोड्यूस होगा उसका मैकेनिज्म मैंने दिखाया। अब यहाँ के बाद BR प्लस यहां तक आइए, फर्स्ट सर डीप प्रोटोनेशन के लिए कोई बेस आता तो बेटर रहता राइट। यहां देखिएगा यहां तक समझ में आ गया है, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर ऑक्सीजन का लोन पे तो रेजोनेंस करेगा, यहां आएगा तो यहां पे क्या डेवलप होगा एन माइनस, और ये एन माइनस क्या एक स्टेप में कर दे, यहाँ का जो एन माइनस रहेगा वहाँ से एच प्लस लेगा, अदरवाइज एक एरो ज़्यादा मेरा खर्च होगा। पहले इसको रिजोनेंस करेंगे, यहाँ पे एन माइनस बनेगा करेक्ट, वो एन माइनस कंजुगेट बेस के जैसा बिहेव करेगा, यहाँ से एच प्लस रिलीज होगा, तो दो तीन एरो बेकार में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे आया, यहाँ से क्या रिलीज हुआ एच प्लस आ जाए कैटलिस्ट, इनके एच प्लस आ जाए कैटलिस्ट आउट हो गया करेक्ट। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे निगेटिव रहेगा, नाइट्रोजन पे जो निगेटिव आएगा वो यहाँ से क्या लेगा एच प्लस, और बन क्या जाएगा NH, क्या बन जाएगा NH। यहां तक आइए फिर मैं मॉर्फोलॉजी समझा देता हूं।
यहाँ देखिएगा एवरीवन, अगर सही से मार्फोलॉजी पे फोकस कीजिएगा तो H प्लस तो कैटलिस्ट हो गया, यहाँ का A बॉन्ड ब्रेक होगा और A बॉन्ड ब्रेक होगा, A यहाँ आ गया, A यहाँ चला गया, मार्फोलॉजी यही है ना कि यहाँ पे क्या आ गया, बियर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय ब्रोमीन एंड ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोजन, दिस इज द मार्फोलॉजी, बट रिएक्शन होने का तरीका यह था। ठीक है, तो आपके शॉर्ट नोट्स में क्या रहना चाहिए मैकेनिज्म, देखिए शॉर्ट नोट्स में कोशिश कीजिए कम से कम मैकेनिज्म रखने का, वजह शॉर्ट नोट्स में अगर नहीं, शॉर्ट नोट्स में मैकेनिज्म अगर नहीं रखेंगे तो उस एकदम ये हो गया तो आप रिकॉल करना के करेंगे शॉर्ट नोट्स पढ़ने के टाइम पे, क्या अच्छा इसका मैकेनिज्म क्या सर ने पढ़ाया था, तो ऐसे धीरे धीरे करके करने के बाद क्या होगा, आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी मतलब पूरा मैकेनिज्म आपको मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स पे भी मैकेनिज्म डाल दिए तो फिर आप कैसे रिकॉल कर पाइएगा, तो आपके सामने दिखते रहेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स में टू द पॉइंट ऑर्डर, एकदम छोटा छोटा वर्ड, छोटा छोटा सेंटेंस, राइट। मैं हैलोजन डेरिवेटिव का शॉर्ट नोट्स फोटो खींच के शेयर करूँगा, पूरा शेयर कर देंगे। अल्काइन तक तो आप लोग बना लिए है ना, बाकी मैं शेयर करूंगा, अगर खुद से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट नोट तो खुद का होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से मैं खुद शेयर कर दूंगा, बट शॉर्ट नोट में मैकेनिज्म कम से कम डालिए, ताकि शॉर्ट नोट से आप रिवीजन करना स्टार्ट करें तो सिर्फ रिवीजन नहीं करें, रिएक्शन देखिए अच्छा इसमें, और सो रुके इसका सर ने क्या मैकेनिज्म पढ़ाया था, इसमें क्या क्या की पॉइंट था, तो ऐसे क्या होगा पूरा रिएक्शन फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एच प्लस का क्या रोल था, कैटलिस्ट तो है ही लेकिन सबसे पहले एसिड ना, एच प्लस का यहाँ पे फंक्शन क्या था, इलेक्ट्रोफाइल एज ए लुईस एसिड, मैकेनिज्म देखिए लुईस एसिड, तो मान लेते हैं कि जो काम लेट अस सपोज यहाँ पे जो काम एच प्लस किया है, एच प्लस के जगह पर कोई भी सूटेबल अगर एसिड ला लुईस एसिड लेंगे लाइक बी एफ थ्री, ये भी तो था एन बी एस बी एफ थ्री, तो एन बी एस एच प्लस डालें या एन बी एस बी एफ थ्री डालें, अलग बात या सेम बात, जो काम H प्लस करेगा, H प्लस का यहाँ फंक्शन था एज एसिड, तो बी एफ थ्री भी क्या है लुईस एसिड, तो सेम ही चीज होगा। ठीक है, लिख लीजिए H प्लस एंड बी एफ थ्री बोथ हैविंग द सेम फंक्शन, बिहेव एज ए लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट, इसका मैकेनिज्म दिखाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो मैं एक बोर्ड दोबारा पूरा बोर्ड यहाँ पे मैकेनिज्म ड्रॉ कर दूंगा, बट वही रिपीटेशन हो रहेगा। ओके एवरीवन, हो गया ना, अब हेडिंग बनाइए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, भाई के बी पी आई में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेंजीन से अल्काइल बेंजीन बनाने का तरीका भी है, राइट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप का, कौन कौन सा, फ्रीडल, यस क्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला 5 आवर यही चलेगा, क्राफ्ट
डीएसाइलेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। यहां देखिए हाँ फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन को इसको शॉर्टकट में FCR भी बोलते रहिएगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। पहले हम लोग कवर करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, करेक्ट है ना। और फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए देखिए, जैसे होता है ना कोई कुछ एकदम मोस्ट कॉमन, तो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन जैसे NCERT में देखिएगा RxAL3 दिया रहता है, राइट। ए मोस्ट कॉमन, NCERT में मोस्ट कॉमन ही दिया रहता है RxAL3, राइट। इस पर दो रिएक्शन है, मैं देखा हूँ गिन कर दो रिएक्शन है, हार्डली तीन होगा। मैं बोल दूंगा, पहले मुझे लिखने दीजिए, आप लोग एक सीक्वेंस में लिखिएगा। देखिए जो पिछले 30 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन से, तो दीज आर अल्काइलेटिंग एजेंट, कौन कौन सा, RxAL3। ए रिएक्शन में RX में नहीं लिया था, ये बेंजीन में आ गया, राइट। तो RA मोस्ट कॉमन है, एक वन बाय वन कवर करेंगे। दूसरा क्या है, अल्कीन H+। तीसरा क्या है, अल्कोहल H+। फोर्थ क्या है, अल्काइन H+। फिर क्या है, एपॉक्साइड H+। एक मिनट रुकिए, एपॉक्साइड कहीं पे मिला था, हाइड्रोक्सिलेशन वाया एपॉक्सीडेशन, राइट। हाइड्रोक्सिलेशन वाया 2H जहाँ पे लाना था, करेक्ट। तो वहाँ पे एपॉक्साइड ओपनिंग का कुछ ट्रिक बताया था, इन एसिडिक मीडियम थिंक लाइक SN1 डू लाइक SN2, बेसिक मीडियम थिंक लाइक SN2 डू लाइक SN2, याद रहेगा। तो सिर्फ वहाँ के लिए था या हर जगह के लिए था, वो हर जगह यहाँ भी अप्लाई होगा, करेक्ट। और इन सब में मोटा मोटी हम लोग करना क्या है, हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज R ही रहेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन पहले देखते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, ये सब मैं नहीं भूलूंगा, वो बहुत लाइट रिएक्शन था इसलिए भूल गया, ये सब तो चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या बोले, नहीं पहला तो याद रहेगा ही, वो तो मोस्ट कॉमन है ना, मोस्ट कॉमन अल्काइलेटिंग एजेंट तो याद ही रहेगा RxAL3। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, AlCl3 क्या है, बोले लुईस एसिड, प्लस HX।
मैकेनिज्म पे गौर कीजिएगा, मैकेनिज्म से बहुत बार पूछा हुआ है, अब फर्स्ट टर्म में पक्का आएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बाकी उसका मेन थीम मैं ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा। एक वीडियो लेक्चर, हालांकि बोलिएगा तो एक क्लास पूरा डेरिवेशन में चला जाएगा, बट वो डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, लास्टली फार्मूला पे ही काम होता है। करंट डेंसिटी, तो मैं करंट डेंसिटी तो नाम सुने होंगे, क्या होता है करंट? बोलिए बोलिए बोलिए, करंट वाई परपेंडिकुलर एरिया, एरिया या परपेंडिकुलर एरिया? परपेंडिकुलर एरिया वो रहता ना, करंट का डायरेक्शन बाई एरिया का प्रोजेक्शन, मतलब करंट का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? करंट डेंसिटी। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको तो डेरिवेशन आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, तो पूरा एक लेक्चर में उसमें पढ़ाया हूँ, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा, बट मैं डायरेक्ट वहाँ पे उस पे प्रॉब्लम या शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो, अदरवाइज क्या होगा डेरिवेशन में पूरा क्लास चला जाएगा। इलेवन का ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट, नहीं इलेवन का सिलेबस बड़ा है या ट्वेल्थ का? भाई इलेवन पूरा मैकेनिक्स है, पूरा फिजिक्स एक तरफ, आपकी मैकेनिक्स एक तरफ, नहीं है इक्वल। मैकेनिक्स में रोटेशन, अगर सही से कोई रोटेशन पढ़ेगा तो रोटेशन ही अपने आप में बहुत अल्टीमेट चैप्टर है, रोटेशन SHM, जो कभी मैं कवर नहीं किया हूँ, राइट। ये फर्स्ट टर्म आ गया, उसके वजह से तो थोड़ा प्लानिंग चेंज करना पड़ा। और उसके बाद ग्रेविटेशन, फ्लूड मैकेनिक्स पढ़कर सब जाइएगा, ऐसा नहीं कि चलिए RK सर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है बाद में RK सर देखेंगे। JEE मंथ तक के लिए कभी फार्मूला, समटाइम्स फार्मूला पुटिंग भी आता है प्रॉब्लम, इसलिए रिस्क मत लीजिए, जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया है सब पढ़ के जाइए। इतना बढ़िया तो है JEE मेन का, इतना अच्छा है सर बता दिए मैथ वाला सर, वहाँ से प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन बना के चला जाएगा ना, तो कम से कम 45 क्वेश्चन लगा के आ जाएगा अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बना के चला जाएगा तो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन तो आएगा, कुछ नया तो आएगा नहीं। आपको क्या लगता है RC सर्किट उतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको JEE मेन में? वो तो आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बना रहे हैं, बट सारा प्रॉब्लम तो RC सर्किट का रहेगा नहीं, राइट। कैपेसिटर का जितना क्लास में प्रॉब्लम करवाए हैं उतना टफ आएगा क्या JEE मेन में? नहीं आएगा। JEE मेन का क्वेश्चन देखिए, बट आप उसमें ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, तो आपको सब कुछ पे मतलब, और 11th ऐसा रेशियो मेरे अकॉर्डिंग रहता है 65-35 समथिंग, या 60-40, और एडवांस में तो ज़्यादा 11th का ही पार्ट रहेगा 65-35। नहीं 12th का फिजिक्स आपको, चूँकि आप बोर्ड में बैठ रहे हैं ना, तो हम लोग थ्योरिटिकल भी हो जाते हैं, डेरिवेशन करना पड़ता है, बट एडवांस का क्वेश्चन देखिए तो उसमें थ्योरी डेरिवेशन आता है क्या? 40th का क्वेश्चन उठाइए, 12th का भी पार्ट से क्या थ्योरिटिकल डेरिवेशन पूछा जाता है उस पर न्यूमेरिकल? देन हाँ टॉपिक में है थोड़ा सा, थोड़ा थ्योरिटिकल है। अब देखिए मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं चाहूँगा तो टाइम वेस्ट कर सकता हूँ पूरा एक क्लास, माहौल बनाते रहेंगे, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरा बहुत ट्रिकी तरीके से पढ़ाने का काम कोशिश की है, पहले मैं बैटरी पढ़ाया, उसके बाद इक्विवेलेंट पढ़ाने की कोशिश किया, मतलब ज़्यादा मैं किस पे फोकस रखा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट पे, राइट। वैसे ही कैपेसिटर पे थ्योरेटिकल पार्ट पे कम रहा, ज़्यादा मेरा किस पे फोकस रहा, थ्योरी में RC सर्किट ऑब्वियसली मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम डेरिवेशन के तरीका से ही प्रॉब्लम बनता है, राइट। डेरिवेशन भी अगर नहीं देखिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो डेरिवेशन से हम लोग न्यूमेरिकल बनाने का तरीका सीखते हैं बड़ा बड़ा प्रॉब्लम का, बट उस पर आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है तो थ्योरी, बट इसका थ्योरी जानिएगा तभी तो न्यूमेरिकल बनेगा। वन स्टेप में जो कन्वर्सन कर लेंगे कितना बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, वन एक स्टेप में हो गया एनिलिन से फिनॉल, दो स्टेप, राइट। बट उसके पीछे का सेक्रीफाइस तो देखिए कि मैकेनिज्म आप जो ड्रॉ किए हैं। ओके आज के लिए इतना ही रख दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो 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 जो